डिप्रेशन के दौरे में व्यक्ति क्या कर सकता है और खुन्नस दिमाग में बैठी हुई या सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई खुन्नस कैसी बाहर निकल जाती है, उसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। अभी भी खबर आई कि पंजाब में एक ड्रग इंस्पेक्टर जो थी उसकी एक केमिस्ट ने गोली मार के हत्या कर दी। 10 साल पहले वो ड्रग इंस्पेक्टर ने वो केमिस्ट जो शॉप था उसका जो परवाना था, लाइसेंस था, वो कैंसिल कर दिया था। अब 10 साल से वो खुन्नस दिमाग में पकड़ के बैठा हुआ था। 10 साल दिमाग में वो विचार चालू थे, खुन्नस चालू थी, और उसको जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसने जो फेस किया, उसके वजह से उसको डिप्रेशन अभी आया। और डिप्रेशन में आने के बाद में वो जो पुराने विचार थे वो पुराने विचार फिर से बाहर आ गए, जो अंदर दबे हुए विचार थे फिर से बाहर आ गए कि मेरा अभी जो हालात हुआ वो हालत इसके वजह से हुआ है, ऐसा उसको दिमाग में थॉट्स आ गए। और उसने वो ड्रग इंस्पेक्टर के ऑफिस में जाके सीधी गोली चला के हत्या कर दी। वहाँ से वो भाग निकला, और ऐसा कहा जाता है कि भागने के बाद में जब लोग उसको पकड़ने गए तो उसने खुद के ऊपर भी गोली चला के खुद की भी हत्या कर दिया। अब ये देखिए कि कोई भी खुन्नस जो रहती है ना, और हम बोलते हैं कि भाई जो संवाद होता है वो संवाद रोक के रखना, दिमाग में जो चल रहा है वो एक्सप्रेस नहीं करना, विचार जो दिमाग में आ रहे हैं वो बोलना नहीं किसको, फिर गुस्सा दिमाग में बहुत रखना, फिर गिल्ट फीलिंग रखना, गिल्ट गिल्ट मतलब अपराधीपन की भावना है, फिर मत्सर है, द्वेष है, जिसका मतलब जिलसी होना, या फिर बदला लेने की भावना कि मेरे को रिवेंज लेने का है, बदला लेने का है, वो भावना दिमाग में होना, ये सब जो है ना विचार, और ये सब इसके साथ में आने वाले मूड, तो ये सब कैंसरस है। ये कैंसर है, जैसा कैंसर धीरे 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 फैलता है वैसा वो दिमाग में जो थॉट्स एंड मूड्स है कैंसर के जैसे फैलते रहते हैं, और वो कब पूरा ब्रेन ऑक्यूपाय करते मालूम भी नहीं पड़ता। फिर एक आधा झटका आ जाता है, एक आधा कारण हो जाता है, और आदमी एकदम डिप्रेशन में चले जाता है। और डिप्रेशन में जाने के बाद में फिर जो विचार चालू हो जाते हैं, और तो होता क्या है कि वो विचारों का कन्वर्शन ऑब्सेशन में होता है, मतलब वही विचार आएगा, वही विचार आएगा, बार बार विचार आएगा, बाकी कोई विचार भी नहीं आएंगे, और उसमें वो व्यक्ति इतना वो विचार हावी हो जाता है कि वो व्यक्ति उसके ऊपर एक्शन कर डालता है। अब ये आजू बाजू वाले लोगों ने यदि पहचान लिया, उनको ये मालूम पड़ा कि नहीं ये अपने अपने ख्यालों में रह रहा है, अकेला अकेला रह रहा है, खान पान में उसका ज़रा ख्याल नहीं है, बराबर नींद नहीं ले रहा है, ऐसा नहीं कि उसने उठ के आज ही गोली मार दिया ना आज ही डिप्रेशन में चले गया, उसके कोई येलो अलर्ट्स रहते हैं। तो डिप्रेशन के येलो अलर्ट्स हम यदि पकड़ लेते हैं और उसका इलाज तुरंत कर लेते हैं तो डेफिनेटली डिप्रेशन है कम्प्लीटली क्योर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यदि आपको अपने आप को डिप्रेशन से दूर रखना है तो जरूर ये बातें याद रखो, गुस्सा रखना दिमाग में, बाहर निकालने का नहीं, गुस्सा दिमाग में रखना, फिर अग्रेशन है किसके बारे में, किसके प्रति, वो दिमाग में रखना, गिल्ट फीलिंग दिमाग में रखना, अपराधीपन की भावना, मुझे कुछ बोलना है किसके बारे में और वो मैं बोल नहीं रहा हूँ, चुपचाप रह रहा हूँ, फिर किसी से डोमिनेट हो जाना, बहुत हावी कोई हो जाना अपने ऊपर, ऐसा अपने को लगना, ऐसा लगना कि मेरे ऊपर कोई प्यार नहीं करता है, मेरे को अकेला छोड़ दिया है, लोग मेरे को प्यार नहीं करते, ऐसी दिमाग में भावना आना, रिवेंज लेने का एटीट्यूड, बदला लेने की भावना, खुन्नस दिमाग में रखना, मत्सर या द्वेष करना, तो ऐसे ये जो विचार है, ये भावनाएं जो है, ये डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं, और फिर उसमें पूरा मतलब पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। तो ये अपने आजू बाजू के लोगों में यदि हम देखते रहते हैं, किसको एकदम फाइनेंशियल लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा उसको ब्रेकडाउन हो गया फाइनेंशियली, या आपसी पति पत्नी में रिश्ता उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, डाइवर्स केस है, या कोई फेलियर हो गया, एग्जाम्स में फेल हो गया, या कोई बड़ा ब्रेकडाउन हो गया, तो उसमें हमको ये देखना है कि वो व्यक्ति को हम सपोर्ट कैसा करेंगे ताकि हम एक हत्या, एक जान हम बचा सकते हैं। वीडियो आपको लगा अच्छा तो ज़रूर शेयर करो, बेल आइकॉन को क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।